एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑक्सिन बायोसिंथेसिस। ऑक्सिन की जो बायोसिंथेसिस होती है उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो यू ऑल विल बी नोटिफाइड। ठीक है, सो मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी। आप कोई भी क्लास के हैं, आप 11th के हैं, 12th के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, मास्टर्स लेवल के हैं, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सो डेफिनेटली ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, मुझसे कुछ ना कुछ सीखिए और इन रिटर्न मुझे भी कुछ ना कुछ जरूर सिखाइए थ्रू योर कमेंट्स। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्सिन क्या होता है, वी ऑल नो ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन और वी कैन से अ फाइटो हार्मोन। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में हमारी बॉडी में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी बॉडी में छोटी अमाउंट में भी हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसी तरीके से जो प्लांट्स में प्लांट के हार्मोन होते हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि हो गया ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, जैस्मोनिक एसिड हो गया, तो ये सभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ में, प्रॉपर डेवलपमेंट में। ठीक है, उसी तरीके से एक हार्मोन है प्लांट का ऑक्सिन। आज हम देखेंगे कि ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, प्लांट्स में ऑक्सिन क्या है, फाइटो हार्मोन है। बायो मीन्स लिविंग, वो लिविंग में उसके सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस मतलब बनना, कैसे ऑक्सिन बनेगा कोई लिविंग थिंग में, यानी कि प्लांट में बन रहा है वो, तो वो कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। और जो ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस होती है वो दो तरीके से हो सकती है, ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू और ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट पाथवे के थ्रू। ठीक है, ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे हम इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि जो पाथवे होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है ट्रिप्टोफेन पे। ठीक है, ट्रिप्टोफेन एक्ट एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। ट्रिप्टोफेन यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, उस मॉलिक्यूल से वो प्रोसेस, वो पाथवे आगे की तरफ को कंटिन्यू होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। और ऑक्सिन बायोसिंथेसिस में ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे के केस में ट्रिप्टोफेन एक्ट एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो आगे बढ़े हम। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द आईपीए पाथवे। ठीक है, आईपीए पाथवे क्या होता है, आईपीए पाथवे में हम देखेंगे, आईपीए पाथवे हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, आईपीए, दैट इज इंडोल थ्री पायरवेक एसिड या फिर इंडोल थ्री पायरवेट भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आईपीए बोलते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि ट्रिप्टोफेन एक्ट एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले जो पाथवे होगा उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ट्रिप्टोफेन से होगी। ठीक है, यहाँ पे आईपीए पाथवे में हमें देखना है कि जो ट्रिप्टोफेन होगा, ये मैंने उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ट्रिप्टोफेन में से रिमूवल होगा अमोनियम ग्रुप का, NH3 ग्रुप का रिमूवल होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब यानी कि रिमूवल ऑफ NH3 ग्रुप। ठीक है, किसकी हेल्प से होगा, कोई ना कोई एंजाइम वहाँ पे होगा, उसकी मदद से होगा। और वो एंजाइम क्या होगा, TRP ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से ट्रिप्टोफेन में से अमोनिया का रिमूवल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे NH3 का रिमूवल हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोल थ्री पायरवेट में। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इंडोल थ्री पायरविक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा इंडोल थ्री पायरविक एसिड। ठीक है, यहाँ पे रिमूवल हो गया NH3 का, क्या आ गया, एसिड ग्रुप आ गया। अब क्या होगा, इंडोल थ्री पायरवेट में से डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस करेगा। जिस कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन होगा। और वो इंडोल थ्री पायरवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोल थ्री एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से CO2 का रिमूवल हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोल थ्री एसिटल्डिहाइड में। अब इंडोल थ्री एसिटल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होगा, कौन से एंजाइम की हेल्प से होगा, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है,
कौन से एंजाइम की हेल्प से होगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से होगा, और पर्टिकुलरली अगर हम नाम लें तो इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका? इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड का, और इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इंटू इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये है हमारा फाइनल की प्रोडक्ट, ठीक है? जो एंड प्रोडक्ट है हमारा वो होगा हमारा IAA, दैट विल बी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये हमारा फंक्शनल और अवेलेबल फॉर्म है ऑक्सिन की, ठीक है, जो प्लांट यूज करेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ये तो पहली पाथवे होगी जिसको हमने बोला IPA पाथवे। ये पाथवे आपको याद रखनी है, कौन सी प्रोसेस पहले हो रही है, डीएमिनेशन पहले हो रहा है IPA पाथवे में, ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, वो सब चीजें याद रखनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पाथवे। देखो अब हम देखते हैं ट्रिप्टामाइन पाथवे। ट्रिप्टामाइन पाथवे हम इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? ट्रिप्टामाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रिप्टोफैन होगा उस पर पहले डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। IPA पाथवे में हमने क्या देखा था कि पहले वहाँ पे डीएमिनेशन हो रहा है, बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है थ्रू द एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ट्रिप्टोफैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्टामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर फॉर दिस पाथवे इज ऑल्सो नोन एज ट्रिप्टामाइन पाथवे, ठीक है। अब ट्रिप्टामाइन में से डीएमिनेशन होगा। अब यहाँ पे डीएमिनेशन सेकेंड प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में हो रहा है। डीएमिनेशन होगा यानी कि रिमूवल ऑफ NH3 ग्रुप, और ट्रिप्टामाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड। ये स्टेप फिर से कॉमन हो गया जो वहां भी देखने को मिला था हमें। फिर उसके बाद जैसे वहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन करवा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा, और इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इंटू इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हमें लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए? इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA ही तो चाहिए, यही है हमारा ऑक्सिन, इसी की सिंथेसिस के लिए हम इतनी सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? हमारा एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये है ट्रिप्टामाइन पाथवे। और एक बात और कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है वो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? मैंने बताया प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है। जो ट्रिप्टोफैन होता है ये प्लांट में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन इज फर्स्ट सिंथेसाइज बाय प्लांट विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। ट्रिप्टोफैन कहाँ बनता है? प्लांट में बनता है। कौन से एंजाइम की हेल्प से? ट्रिप्टोफैन सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। ट्रिप्टोफैन कहाँ बनता है? सिर्फ प्लांट्स में बनता है, और एनिमल्स या फिर ह्यूमन के केस में ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड नहीं बनता है, इसीलिए हम इसको एक्सटर्नली अपनी डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये ट्रिप्टोफैन सिंथेज एंजाइम की हेल्प से ट्रिप्टोफैन बनता है थ्रू द पाथवे सिक्किमेट पाथवे आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। उस पाथवे से हमें ट्रिप्टोफैन मिलता है। कहाँ पे? इन प्लांट्स ओनली, ठीक है। ये सिक्किमेट पाथवे एब्सेंट होती है एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स में ट्रिप्टोफैन सिंथेज नाम का कोई एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड नहीं बन पाता है, और उसको हमें बाहर से एक्सटर्नली अपनी डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मैंने दे दी। ट्रिप्टामाइन पाथवे समझ में आ गया ना हमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पाथवे। अब जो हमारा नेक्स्ट पाथवे है वो है हमारा IAN पाथवे। जनरली मेजरली हम दो ही पाथवे लेके चलते हैं ऑक्सिन बायोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। कभी कभी ये जो थर्ड पाथवे IAN पाथवे ये भी इंपॉर्टेंट है, बट जो ये फोर्थ पाथवे है IAM पाथवे ये प्लांट में नहीं देखने को मिलती है, अभी जब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो IAN पाथवे, ये पाथवे मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो प्लांट के केस में अगर आप पाथवे पढ़ रहे हैं तो आप ये तीन पाथवे ही पढ़ेंगे IAN पाथवे तक, IAN, IAA पाथवे और ट्रिप्टामाइन पाथवे, ठीक है। जो IAM पाथवे है ये हम पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है, बढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो पहले हम देख लेते हैं IAN पाथवे के बारे में। IAN पाथवे हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? इंडोल 3 एसिट नाइट्राइल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रिप्टोफैन होगा हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा इंडोल 3 एसिड नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम IAN भी बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। और किसकी हेल्प से, कौन से एंजाइम्स की हेल्प से? P450 एंजाइम की हेल्प से, और बहुत से फैक्टर्स भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
देखो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, सारे एंजाइम को ट्रिप्टोफैन मिल रहा है। अब ट्रिप्टोफैन को अगर ये हमारा ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन को अगर तीन पाथवे अभी तक हमने पढ़ी, ठीक है, ट्रिप्टोफैन को पहले डीकार्बोक्सिलेशन डीएमिनेशन के लिए हमें एक एंजाइम मिल गया, तो वो डीएमिनेशन वाली प्रोसेस पहले करेगा और यहाँ पे आई ए ए वाला फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर ट्रिप्टोफैन को पहले ही मिल रहा है, कौन सा एंजाइम मिल रहा है, पहले डीकार्बोक्सिलेज मिल रहा है, पेन कहाँ चली गई, यहाँ पे अगर उसको पहले डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम मिल जा रहा है तो वो क्या बना देगा, यहाँ पे ट्रिप्टामाइन बना देगा, ठीक है। तो ट्रिप्टामाइन वाली पाथवे पहले चलेगी। अगर यहाँ पे उसको डीएमिनेशन के लिए ट्रांस अमाइनेज मिल जा रहा है, पहले यहाँ पे ट्रांस अमाइनेज अगर उसको मिल जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, NH3 ग्रुप का रिमूवल करवा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी पाथवे चलेगी, IPA पाथवे चलेगी, ठीक है। अगर उसको डीकार्बोक्सिलेज पहले एंजाइम मिल जा रहा है ट्रिप्टोफैन को, तो ट्रिप्टामाइन पाथवे चलेगी, ये एक पाथवे, ये दूसरी पाथवे और ये तीसरी पाथवे। अगर यहाँ पे उसको P450 एंजाइम मिल जा रहा है, ठीक है, तो कौन सी पाथवे चलाएगा, IAN पाथवे चलाएगा, जो थर्ड पाथवे है हमारी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल तो एक ही है, ट्रिप्टाफोन, ट्रिप्टोफेन। अब उस ट्रिप्टोफेन को जो अलग अलग एंजाइम अगर मिलेंगे तो वो अलग अलग पाथवे को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। IAN पाथवे आपको समझ में आ गई, IAN पाथवे क्या थी, ट्रिप्टोफेन है, वो P450 एंजाइम की हेल्प से इंडोल 3 एसिट नाइट्राइल में कन्वर्ट होगा और फिर नाइट्रेलाइज एंजाइम की हेल्प से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। यही है हमारा IAA और हमारा एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ पाथवे, दैट इज द IAM पाथवे। ये पर्टिकुलरली हमें एग्रोबैक्टीरियम में देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम में ये पाथवे हमें देखने को मिलती है। प्लांट्स में ये पाथवे कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्लांट में कभी भी IAM पाथवे नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन होता है वो मोनो ऑक्सीजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, इंडोल 3 एसिटामाइड में, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया है कि प्लांट्स के केस में ये वाली साइकिल नहीं चलती है, ये साइकिल हमेशा कहाँ चलेगी, बैक्टीरियम, एग्रो बैक्टीरियम के केस में ये साइकिल चलेगी, ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमने ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट बायोसिंथेसिस देखी, चार टाइप के हमने पाथवेज देखे, IPA पाथवे देखा जिसमें पहले डीएमिनेशन हो रहा है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, फिर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर हमने देखा ट्रिप्टामाइन पाथवे जिसमें पहले डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, फिर डीएमिनेशन हो रहा है, फिर जाके ऑक्सीडेशन हो रहा है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से, तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा एंड प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड, वो मिल रहा है। फिर हमने देखा IAN पाथवे जिसमें ट्रिप्टोफेन किस में कन्वर्ट हो रहा है, IAN में, इंडोल 3 एसिड नाइट्राइल में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम P450 और फिर जाके वो नाइट्रोलेज एंजाइम की हेल्प से IAA में कन्वर्ट हो रहा है। ये तीनों पाथवे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के केस में देखने को मिलते हैं, बट जो ये IAM वाला लास्ट पाथवे मैंने आपको बताया, ये हमें एनिमल के केस में तो नहीं, प्लांट के केस में हमें ये नहीं देखने को मिलता, ये पर्टिकुलरली हमें बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट्स में ये वाला पाथवे एब्सेंट होता है और मैंने ये बताया कि ट्रिप्टोफेन जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, एनिमल्स की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन सिंथेज एंजाइम, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना है मुझे, नीचे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई वो भी बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है वो भी बताएं। और हाँ, आप कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं इसके बारे में, बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं आती हैं, आपको डेफिनेटली उससे ज़्यादा पता होगा, तो आपको कुछ पता है जो मैं इसमें बताना भूल गई हूँ तो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएं।
मुझे भी सिखाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जल्दी से मुझे सिखाओ, ठीक है, मुझे भी सिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नई नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव पॉइंट के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ, कुछ भी वो हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस एंड कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑल डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।